कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल आज कर दिया है। राहुल गांधी ने रायबरेली कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। साल 1999 से सोनिया गांधी इस सीट पर संसद में अपना प्रतिनिधित्व करती आ रही थी। हालांकि मौजूदा लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी सेहत का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। राहुल गांधी का रायबरेली में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के दिनेश प्रताप सिंह से होगा। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे। हालांकि वह केरल की वायनाड सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। राहुल गांधी के नामांकन जुलूस के दौरान हजारों समर्थकों की भीड़ मौजूद थी, जबकि सड़क के दोनों तरफ और छतों पर गांधी परिवार की एक झलक पाने के लिए इस चिलचिलाती गर्मी में भी हजारों लोग मौजूद रहे। इस दौरान पूरे रायबरेली के कई हिस्सों में जाम के हालात भी देखने में आए। इस नॉमिनेशन फाइल करने में के जुलूस के नेतृत्व उनकी बहन और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही थी। रायबरेली से सांसद रही सोनिया गांधी ने अपने सेहत के कारणों से राज्यसभा जाते हुए यहां की जनता को एक खत भी लिखा था कि उनके जगह पर उनके परिवार का ही कोई व्यक्ति यहां से चुनाव लड़ेगा, जिसके बाद से राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी के चुनावी मैदान में उतरने के कयास लगाए जा रहे थे। आपको यहां पर बता दें, रायबरेली सीट से 1999 में हुए उपचुनाव के बाद से कांग्रेस नेता सोनिया गांधी लगातार 2019 तक इस सीट से सांसद रही हैं, लेकिन इस बार सेहत का हवाला देते हुए उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वह राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गई हैं। कुतुब मेल के लिए आशा पटेल, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।